हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी तोसी चौधरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलोवेरा डे एंड नाइट क्रीम बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं फ्रेंड्स इसके। और एलोवेरा तो हमारी स्किन के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्रीम आप 15 से 20 दिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और ये आप रेगुलरली यूज़ कीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में मेरे साथ आप अपने रिजल्ट शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और चलो, आप ज़्यादा बातें नहीं करते, देखते हैं ये कैसे कैसे बनती है। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और केसर लेंगे, थोड़ा सा केसर इस बॉल में डालेंगे, और 2 चम्मच गुलाब जल इसमें ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स, इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये केसर अपना कलर छोड़ दे। सेकंड फ्रेंड, हम ये ऑरेंज पील पाउडर लेंगे, ये 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर लेंगे एक बॉल में, और इसमें भी हम 2 टेबलस्पून गुलाब जल ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें 1 चम्मच और गुलाब जल डालूंगी। और इसको भी 10 मिनट के लिए रख देंगे। थर्ड फ्रेंड्स, हम ये चंदन पाउडर ले लेंगे 1 चम्मच, इसका भी सेम प्रोसेस करना है, इसमें भी गुलाब जल ऐड करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। हमें एलोवेरा डे एंड नाइट क्रीम बनाने के लिए इनको 15-15 मिनट 1-1 चम्मच गुलाब जल एंड ऑरेंज पील पाउडर गुलाब जल में ऐड करके रखना है। इसको भी रख देंगे 15 मिनट के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं डे क्रीम बनाना। तो सबसे पहले हम डे क्रीम में हम डालेंगे चंदन, जो मैंने चंदन पाउडर जो भिगो के रखा था आफ्टर 15 मिनट, अब हम उसका एक छलनी ले लेंगे। जो एक्सपर्ट है इसको वो निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से हम निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड, जो चंदन पाउडर था उसका जो एक्सट्रैक्ट निकालना था वो हमने ले लिया एक बाउल में। फ्रेंड्स, हम डे क्रीम बनाएंगे तो एक बाउल ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। जो हमने अभी चंदन पाउडर का एक्सट्रैक्ट लिया है वो 1 चम्मच
और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों को। फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये हमारी स्किन के पोर्स ओपन करता है, हमारी स्किन के डार्क स्पॉट्स ये सब दूर करता है, और चंदन पाउडर भी हमारी स्किन को गोरा करता है। जो ब्लैक हेड्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, उनको दूर करता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है बहुत ही अच्छे से। अब नेक्स्ट हम लेंगे 2 विटामिन ई कैप्सूल्स, और हम इसको सेफ्टी पिन से निकाल के इसका जो ऑयल है वो हम इसमें ले लेंगे दोनों का। फ्रेंड्स, ये क्रीम बहुत ही इफेक्टिव है, आप डेली यूज़ कीजिए इसको, सुबह नहाने के बाद, फेस वॉश करने के बाद, आप जो भी फेस ऑयल लगाते हैं वो लगाने के बाद ये क्रीम यूज़ कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव क्रीम है। अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से, विटामिन ई ऑयल को भी, जो कैप्सूल से ऑयल लिया है वो। ये हो गया। अब फ्रेंड्स, जो हमने केसर डाला था वो देखिए, बिल्कुल मतलब इसने, केसर ने अपना कलर इसमें सारा का सारा छोड़ दिया है। अब हम इसमें थोड़ा केसर ले लेंगे, हाफ टीस्पून, और इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, केसर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, केसर को हम खा भी सकते हैं, मतलब दूध में डाल के उसको खा सकते हैं, और केसर हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। केसर हमारी स्किन को वाइट करता है, हमारे फेस को, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, आप विटामिन ई कैप्सूल की जगह बेबी ऑयल भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और हमारी डे क्रीम बनके बिल्कुल तैयार है, और ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारे फेस पे। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे नाइट क्रीम। फ्रेंड्स, इसमें भी सबसे पहले जो हमने ऑरेंज पील पाउडर नाइट क्रीम के लिए, मतलब गुलाब जल में भिगो के रखा था 15 मिनट के लिए, आफ्टर 15 मिनट ऐसा हो गया है, तो अब हम इसका सेम प्रोसेस करेंगे जैसे हमने चंदन पाउडर के साथ किया था। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसको डाल देंगे और सेम प्रोसेस करेंगे जैसे हमने चंदन पाउडर के साथ किया था। फ्रेंड्स, आपका अगर ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो गया है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, तो आप इसमें गुलाब जल और ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे। सारा ले लेंगे और थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करूँगी, 1 चम्मच, और अब इस एक्सट्रैक्ट निकालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हो जाएगी। ऑरेंज पील पाउडर घर पर कैसे बनाते हैं मैं अपनी अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। बहुत ही इजी है बनाना घर पर, और बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है ये। देखिए फ्रेंड्स, हो गया है पूरा। इसको फ्रेंड्स डालना नहीं है ना, इसको और जो चंदन का बचा हुआ था उसको भी नहीं डालना। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इन दोनों का क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक
बिल्कुल बहुत ही गाढ़ा सा मतलब आ गया, ये मैं आपको दिखा दूँ। हम बनाएंगे नाइट क्रीम। नाइट क्रीम के लिए एक बॉल ले लेंगे, और सबसे पहले हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। नेक्स्ट हम लेंगे जो हमने ऑरेंज पील पाउडर का एक्सट्रैक्ट लिया था वो, और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगी फ्रेंड्स, आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए। दोनों क्रीम को डे एंड नाइट में इसको यूज़ करके देखिए, बहुत ही अच्छी क्रीम है और बहुत ही अच्छा क्रीम वर्क भी करती है। अब हमने देखो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ये पूरा। नेक्स्ट हम जो केसर था वो डाल लेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से तीनों को। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स हाफ से भी कम टेबल स्पून, थोड़ी सी मतलब ग्रीसलीन, इतनी सी बिल्कुल बहुत थोड़ी सी। इसको भी मिक्स कर लेंगे ग्रीसलीन को भी, और लास्ट डालेंगे हम इसमें बादाम रोगन। बादाम रोगन हम मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है हमारी स्किन में। ये भी बहुत थोड़ा सा डालना है बादाम रोगन भी। अगर आप बादाम रोगन नहीं डालना चाहते हो तो आप सेम बेबी ऑयल डाल सकते हो, विटामिन ई कैप्सूल्स डाल सकते हो, दोनों डाल सकते हो। बादाम रोगन नाइट के लिए बेस्ट है, हो सके तो बादाम रोगन ही डालना। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से फ्रेंड्स। अगर आपको लगे कि आपकी क्रीम थिक है या फिर इस कंसिस्टेंसी में नहीं है तो आप इसमें एलोवेरा जेल और ऐड कर सकते हैं। बाकी तो ये अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब हम इसमें एक और डालेंगे टी ट्री ऑयल। इसकी मैं टी ट्री ऑयल की 4 से 5 ड्रॉप ले लूँगी। अगर आपके पास टी ट्री ऑयल नहीं है तो आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स हमारी नाइट क्रीम बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डे क्रीम एंड नाइट क्रीम आपको यूज़ कैसे करनी है। फ्रेंड्स ये रही आपकी डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। सबसे पहले मैं आपको डे क्रीम के बारे में बताऊंगी कि ये आपको कैसे यूज़ करनी है। फ्रेंड्स आफ्टर फेस वॉश, जो भी आप फेस ऑयल यूज़ करते हैं या फिर जो भी डेली रूटीन आप करते हैं उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप फेस वॉश सॉरी अगर आप फेस ऑयल यूज़ नहीं करते तो टोनर के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये क्रीम आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं या फिर फेस पे जो भी पिंपल्स की वजह से डार्क हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स, वो ब्लैक हेड्स, इन सबको रिमूव करेगी। बहुत ही अच्छा वर्क करती है ये। आप कुछ दिन इसको यूज़ कीजिए और आफ्टर यूज़ जो भी रिज़ल्ट होंगे वो आप मुझे मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, आप मुझे ज़रूर बताएं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको नाइट क्रीम कैसे यूज़ करनी है। फ्रेंड्स नाइट क्रीम रात के रूटीन के बाद, आपका जो भी रूटीन है उसके बाद, या फिर आपका कोई रूटीन नहीं है तो आफ्टर फेस वॉश आप रात को फेस वॉश करेंगे,
उसके बाद आपको ये यूज़ करनी है और इसको यूज़ करके आप सो जाइए एंड देन सुबह आप उठेंगे तो आप नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कीजिए। ये रही आपकी डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। सबसे पहले मैं आपको डे क्रीम के बारे में बताऊंगी कि आपको ये यूज़ कैसे करनी है। फ्रेंड्स, आप सुबह को फेस वॉश करने के बाद जो भी आपका डेली रूटीन है उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर जैसे फेस ऑयल वगैरह कुछ नहीं आप यूज़ करते तो टोनर के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये क्रीम आपके डार्क स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स और ये सब रिमूव करेगी। ये क्रीम बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप इसको यूज़ कीजिए। यूज़ करने के बाद आपके जो भी रिज़ल्ट आते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको नाइट क्रीम कैसे यूज़ करनी है। नाइट क्रीम जो भी आपका नाइट का रूटीन है वो फॉलो करने के बाद आपको ये यूज़ करनी है, या फिर आपका कोई भी रूटीन नहीं है तो फ्रेंड्स आप अपना फेस वॉश कीजिए और इसको लगाइए और सो जाइए। और जब सुबह को आप उठेंगे तो आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए और कुछ ही दिन के बाद, मतलब नाइट क्रीम बहुत ही इफ़ेक्ट करती है हमारे फेस में क्योंकि उस टाइम पे हमारी स्किन को रिलैक्स मिलता है, तो ये ज़्यादा वर्क करती है उस टाइम पे, नाइट के टाइम पे। तो आप इसके भी रिज़ल्ट मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स, एंड थैंक यू। फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था ना कि ये जो दोनों हैं ये डालने नहीं है, मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में कि इनका क्या करना है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को उठाइए और एक जगह मिक्स कर लीजिए इस तरह। फ्रेंड्स, इसमें डालने को तो और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं लेकिन कुछ भी इसमें और डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे के ऐसे ही अपने हैंड पर, अपने फेस पर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव फेस पैक है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। डालना मत, मतलब इसको यूज़ कर लीजिए, मैं भी यूज़ करूँगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये एलोवेरा डे एंड नाइट क्रीम आप मुझे ज़रूर बताएं। इसको आप यूज़ कीजिए और जो रिज़ल्ट आते हैं वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। एंड फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।